चिनूक हेलीकॉप्टर 41 मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। एम्स में चेकअप हुआ। सीएम धामी मजदूरों के परिवार के साथ आज शाम दीपावली मनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीसौड़ से ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। बुधवार दोपहर में इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। यहां एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया था। यहां रात भर इन्होंने आराम किया। उत्तरकाशी के सीएमओ आरसीएस पवार ने आज सुबह बताया कि सारे मजदूर स्वस्थ हैं। उन्हें देर रात और सुबह नॉर्मल डाइट दी गई। उनकी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग भी की गई है। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिवार को देहरादून में अपने आवास पर बुलाया है। सीएम धामी इगास बग्वाल पर्व के मौके पर मजदूरों के घर वालों के साथ आज शाम दीपावली मनाएंगे। पीएम मोदी ने नवयुवा इंजीनियर कंपनी लिमिटेड के शबा अहमद से पहले बातचीत की। पीएम ने कहा कि 17 दिन कम नहीं होते। आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, एक दूसरे का हौसला और धैर्य बनाए रखा। मैं लगातार जानकारी लेता रहता था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में था। शबा सर, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। कभी घबराहट नहीं हुई। सभी मजदूर अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन हम भाई जैसे रहते थे। खाना आता था तो सभी मिलजुल कर खाते थे। पीएम मोदी, मैंने सुना है आप लोग टनल में योग भी करते थे। शवा, हम रोज सुबह योग करते थे। वहां खाने पीने के अलावा कुछ करने को नहीं था, तो हम मॉर्निंग वॉक और योग करते थे ताकि सेहत बनी रहे। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। ये ना होते तो शायद मजदूर भी ना बचते। 12 नवंबर को सुरंग में फंसते ही सुपरवाइजर गबर सिंह नेगी को पानी भरता दिखा। उन्होंने पंप चला दिया। पंप ने पानी खींचा और 4 इंची पाइप के जरिए बाहर फेंकना शुरू किया। पाइप का एक छोर मलबे के दूसरी ओर था, इसलिए रेस्क्यू टीम को पंप की आवाज आ गई। उन्हें एहसास हो गया कि मजदूर जिंदा है। फिर इसी पाइप से मजदूरों से बातचीत हुई। उन्हें चने बिस्किट भेजे गए। 20 नवंबर को मजदूरों ने खाना मांगा। तब 6 इंच का एक पाइप मलबे में डाला गया। वो आसानी से मजदूरों तक पहुंच गया। इसी के जरिए सॉलिड फूड, जूस आदि भेजे गए। तब जाकर 9 दिन बाद मजदूरों ने खाना खाया। 21 नवंबर को 800 mm चौड़े पाइप अंदर भेजे गए, क्योंकि 900 mm के पाइप आगे नहीं बढ़ रहे थे। यही पाइप तीसरी लाइफलाइन बने, क्योंकि इनमें रेड माइनर्स आसानी से टनल खोज सके। उत्तरकाशी टनल में रेड माइनर्स ने कैसे काम किया? रेड माइनर्स 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इनके पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों के सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता था। रेड होल माइनिंग क्या है? रेड का मतलब है चूहा, होल का मतलब है छेद और माइनिंग का मतलब खुदाई। मतलब से ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रेड होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेड होल माइनिंग जमकर होती है, लेकिन रेड होल माइनिंग काफी खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।